आते हैं ढोल गंवार चौपैया कावत है ना। ढोल कहीं अगर हाथ जोर बैठियो तो ना बाजी, जब झाड़ झाड़ दो तीन मारो बट्टन ने टन बाजे लागे। गंवार आदमी से ने तुम हाथ जोर ठाड़ो भैया हमका जा दो, ना जा ना जा, दुई काने मारो भाड़ भाड़, बस कही भैया तुम जाओ तुम दा दुआ हमारा। भैंस चरावत हो भैंस को केरे खाते जाते हो, भैंस चरावे जाते हो भैंस को केरे खाते जाते हो, जो यू हाथ हो ठाड़ हो के कह दो ए भैंस मौसी वे के ख्यातम ना खायो, हमारू की लड़ाई है हमारू का झगड़ा है, वे के ख्यातम खाई हो लफड़ा हो जी, उनके ख्यातम गोड़ ना धरो, का भैंस माने वाली है नहीं माने। अगर वह जाते हो उनका धर के गुर्रा डट अब है रुको रुको, तो कान उठे रूही का कमर रही है कहा तो लौट पड़ी। बहुत अच्छी चीज घर में दही जमावा जाते कि नहीं जमा जाते, दही को जमावा जा दूध दे दे दूध जमावा धर रहा है, दही जमावा जा तो घर में जमावा रखा हो कछाई में यहाँ, और जमावा सवेरे रखा हुआ है तेरा घर आगियार करो धूप बत्ती लगाओ सिंदूर लगा दियो और वह तेरे प्रसादों चढ़ा दियो हाथ जोड़ के बैठो और कह दे हे घ्यो महाराज तुम निकलियो आराम से नहीं और तुम ईमा से नहीं कछाई में आ जाओ, ना तुमका खाब ना कोई खाए द्याब। तो कहा भैया बिन कहे से ने कहे चाहे दिन भर चिरौरी करो, का घ्यो निकरे वाला है नहीं निकरी, घ्यो ना निकरी का निकरी ना निकरी, लेकिन उनका जौन चहे तब मिले निकरी तुरंत निकरी बलबल बलबल निकरी इतना निकरी। जब यहाँ कुआं में गदवदी माटी हुई माँ नाची बड़वा हाथी बस तनिके अंदर हम निकरिया वो बलबला है ना। तो ये सब सिस्टम है भैया, तो जैसे घ्यू नहीं दूध से निकलते है बिना मथे तो भगवान कहाँ धरा, बिना कसे भगवान कहाँ धरा हो, बिना कसे भगवान कहाँ धरे। कोई चीज फसल बो और बिया डारो और बिया पर कह दो माटी ना पड़े दिया का बिया जामी, जब उनका हानिकर रगर के मैं आ दो आठ दिन बाद मुनियान ठाड़ है, जब तक रगर के मैं हो उतने निकली चुआन का, ऐसा है कि नहीं। जैसे ये चीजें जब मेहंदी रंग लाती है पत्थर पर, कहते मेहंदी रंग लाती है पत्थर पर, पत्थर पर हिना घुस जाने के बाद मेहंदी रंग लाती है पत्थर पर हिना घुस जाने के बाद दोस्ती याद आती है दोस्त छूट जाने के बाद। तो जैसे मेहंदी रगड़े के बाद याद होते हैं रंग, वैसे जब शरीर हो रगरा रगरा जब खपीचे बची तब भगवान दिखाए लगा था यो दे आए। लड़का भाग लगावते हैं भाग हुई कोने पर से शुरू होते और ये कोने पर ले भाग आवत तब आखिर 26-36 बच्चा। ये सिस्टम है भैया, 100 रुपया पायल डीजे जेहटा से, 20 रुपया बराती गुड़वा से, 50 रुपया श्रवण अचार वाले, 20 रुपया नरेंद्र भैया यादव जी गमसेना से, 50 रुपया ये पृथ्वी यादव भैया सरथरा से, 51 रुपया राम विलास यादव, 100 रुपया जसकरण भैया दनौर से, 51 रुपया राजकुमार यादव जी, 50 रुपया राजेश देवरी भारत से, 50 रुपया राम नरेश भवानी खेड़ा से, 10 रुपया संस्कार यादव भैया जी की तरफ से दान भगवान के छोड़ों में, परमात्मा से कामना ईश्वर कृपा करे जीवन मंगल में हो। राजा साहेब ने डांटा है रानी उठाओ, रानी उठी कहा बात ये आवाज घर है बता दिया, तो रानी बोली तो फिर यहाँ का है दौरा है वहां, राजा बोले चलो घर है मैं बहन बताई चलना कहता है घर का है। राजा ने क्या किया एक खंभा में रानी को बंधवाया, रानी को बंधवाया और बंधवा करके खंभा में घोड़ा वाला मंगवावा कुआड़ा लाओ चबका चले, तो दुई चार जब कभो को मारा रहा ही नहीं
तो जब दुई चार मारे तो रानी कहा लगी भाई हंसी खेलवा ना करो, कब हो तुम मारे ना हो तो याद नहीं थप्पर मार दो गुस्से है नहीं, कहा मारी परी का ठिठोली करती हो, जब फिर धड़ाका मरे हो यही फिर बिगड़ जाई, जब फिर धड़ाका धरो फिर अब कुछ सुन जाई हो, जब चौथे हो का सही मारती हो कहा। राजा ने क्या किया, चाबुकली ने हाथ बिकराला, चाबुक हाथ लीन बिकराला, मारो चारी पांच तत्काला, चार छा चाबुक हारी हाली मारे। 1100 रुपया रमेश यादव भैया दुधा बक्सी खेड़ा से, और इसी बीच में 200 रुपया हमारे भैया लल्ला यादव भैया बक्सी खेड़ा से भगवान के छोड़ो मैदान भैया, जब दो चार मारे तो रानी बोली अच्छा ये बताओ का सही सही मारा, तो राजा बोले बताए रहे ना बतावा जाते है जब जब यहां पर की खाल रही ना जाए, बिल्कुल एकदम बकरा का नुकुल जाए दिया। तो रानी सोची दादा जब दुई चार मारे तो इतना दर्द हो जब पूरी दिया खाले मुकिल जाए तो बर जाए बात चीत। तो रानी कह लगी महाराज हम कल छोड़ दियो, बकसो भूप खता भय भारी, हमसे गलती हो गए और एक काम करो हमका मारो ना अपन बात लेके चाटो हमका बात नहीं चाहे। तो राजा और हाली हाली मारनी, जब और हाली हाली दो चार झाड़ झाड़ का अब धरी तो कहा लगी ये हमका मारो ना कहो रुकी कहो चले जाए घर का, छोड़ दिया। राजा साहेब बच गए, राजा साहेब बच गए। वह बात भरत जी अपनी माँ कहके ही से कहा, तुम वहन तो बिटिया कहके ही आयो, नाना सत्संग की नहीं नहाए तो बच गए रहा है, और तुम उनकी बिटिया हो आज हट के हो कि राम के यहां वनवास चाहिए भरत के यहां युवराज चाहिए, तो बप्पा गए खत्म हुए। जावा हम कसम खाते हैं कि जीवन बीत जाएगा हम तेरे को मां नहीं कहेंगे। और वक्ता कह के भरत रावेला, और देखे हो लड़का मम्मी में लड़ाई हो कबो कहो लड़ाई हो जाते है तो कहो लड़का दिन भर हो जाए अम्मा का अम्मा ना कहे, लेकिन मम्मी के रे दिमाग में अति ममता भरी होते कि जेले लड़का अम्मा कही नहीं तले मम्मी खाना खाई नहीं, खूब लड़ाई होते है कहुआ सुनवार ए मर गए तो हमका अम्मा ना कहे, कहीं हाँ तु का अम्मा नहीं कहब, कहीं जा करे वो तु हमका अम्मा ना कहे, कहीं हाँ कोयली जा तु का अम्मा नहीं कहब, हो जाए कहुआ सुना ना हो जाए, लेकिन लड़का कहो गुस्सा आ जाए तो अम्मा ना कहे, लेकिन मम्मी जले अम्मा नहीं कहवा तेरे खाना नहीं कहीं। जब भरत ने कहा कि हम तेरे को जीवन में मां नहीं कहेंगे, तो कैकेयी ने कितना बड़ा हट किया कभी ध्यान दिया, कैकेयी ने कहा जाओ भरत तुम कहते हो कि जीवन में यहां मां ना कहा तो जाओ एक मां की जुबान जेले तुम अम्मा ना कही हो तैले ना हम नहाब ना रोटी खाब, ना नहावे करब ना कंगा सीसा तेल लगाई ना सिंगार करब साड़ी नहीं बदलब चाहे गोईता हो जाए, अतना बड़ा हट करके इन्हें कर लिया भैया, अतनी बड़ी हट करके भरत वहां से चल पड़े। भरत विचार किया कि हम जा रहे भैया चाहे जहां मिलें, मनाई लई बे अरे बुलाई लई बे अपने भैया को बन से मनाई लई बे, अपने भैया को बन से मनाई लई बे, अपने भैया को
मनाई लेबे की बोलाई लेबे अपने भैया को बंसी मनाई 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 लेबे। भारत जी अपने भैया राम को बुलावे चल पड़े। जब भरत जी ढूंढे चल पड़े और इधर भगवान कहां पहुंच गए जरा गौर से सुनो। भगवान ने सोचा, एक बार भगवान राम और सीता बैठे थे अंताकरण भवन में। सीता जी ने भगवान से पूछा, स्वामी संसार में यहां वाहन कहे हैं, समझ लेना, संसार में यह वाहन कहे हैं। भगवान ने कहा, सीता संसार में वाहन है तीन, कौन कौन? जल चर थल चर नव चर वारी, दुनिया मा तीन सवारी। कई वाहन है भैया? एक जल पर चले वाला, एक थल पर, थल माने जमीन, और एक वाहन वैसा है जो न थल पर चले न जल पर चले, वो बदरे बदरे चले। तो सीता जी कहा लगी, स्वामी अच्छा यू बताओ, तीन वाहन तो बतायो, लेकिन यू बताओ हमका ये तीनों सवारी कटाई हो। भगवान ने कहा, सीता अगर तुम हमारे संग ही रही हो तो हम तुमका तीनों सवारी कटा दिया। और तीने सवारी शरीरों पर है भैया, चाहे ध्यान दे लो। शरीर वाई दुनिया, शरीर को आया है? अच्छा दुनिया का है आते जने, और दुनिया देखे हो नहीं देखे हो? कब हो दुनिया कोई देखे हो नहीं देखे हो? कोई नहीं देखे हो? कहो हम तुमको सबका दुनिया देखे देखे हो? बहुत बड़ा होए पत्ता, बहुत बड़ा पत्ता होए तो वही का जो बना का इतना बड़ा तैयार करो तो कहीं नहीं हुआ है दुआना, कहीं निकाय है कहीं दुआना। और तनु सरा पत्ता होए तो कहीं निकाय है या दुनिया, यह दुनिया जी मैं बतासा खाती हो। दुनिया दिखान कि नहीं दिखान? पाछे वाल नहीं दुनिया दिखाए रही, यह है दुनिया यहाँ। अच्छा दुनिया में यहाँ, दुनिया में यहाँ लाख कई जने है को जान पायो? यह दुनिया बनी कब? एक तो लाग है पत्ता, दुनिया बन कब सकत है? जब इमा एक लागी छेरुआ नींबी क्या, जब छेरुआ लगाए तो तसे दुनिया बन जाए। अगर छुरी वो अगर कांटा ना लगे हो तो दुनिया ना बनी, पत्ता ही बना रही। तो दुनिया माने होते दुई, दुनिया का अर्थ है दुई, पत्नी होए पति ना होए, पत्नी ना होए पति होए, दुनिया नहीं बढ़ सकत ना दुनिया बन सकत। जब पति पत्नी दोनों जने होए तब दुनिया बनी और तब है दुनिया बढ़ी। मैं आपको क्या बता रहा था, भरत जी रुआवर रुआवत इधर देखो। तो सीता ने कहा, स्वामी हमका ए इस शरीरों पर तीने सवारी हैं, शरीर माने दुनिया, ए शरीर ना हो दुनिया हो तो कोई काम की है? अगर शरीर होए ना या दुनिया होए कोई काम की है? और शरीर होए ईमा खाली जूह ना होए तो शरीर कौनो काम क्या रहे? एक गाना सुने हुए हो, ये दुनिया ये महफिल कौन्यो काम की नहीं। शरीर पर तीने सवारी हैं, पहली सवारी बचपना, वह हो गए थलचर, और जवानी हो गए जलचर, और बुढ़ापा होगा नभचर।
जब लड़का बैया बैया चलत तो कहाँ चल दे, थलचर जमीन पर। वही के बाद जब जवानी आए गए तो जलचर हो गए। जलचर मतलब खाना मिले चाहे ना मिले, संजक याग ग्रैंड है। एक खंभा मिल जाए जान लो जलचर होएगी। अब आखिर नवचर होएगी। जब देखात नहीं तो कहा का कोई आवत नहीं है हो, हे भगवान बुला लो, हे भगवान बुला लो, तो मेरे खातिर हो कमरा खाली धरा। पहले भर्ती तो हो। तीन सवारी हैं, बचपना जवानी और बुढ़ापा। ओए जैसे यह जिंदगी एक दिन की, जिंदगी कहाँ है भैया एक दिन। अगर तुमसे पूछे जिंदगी कई दिन की, कह दो जिंदगी एक दिन की। जैसे एक शरीर के तीन पन होते, बचपना जवानी बुढ़ापा, वैसे एक दिन के तीन पन होते, सवेरा दोपहर शाम। तो सवेरा होएगा बचपना, जवानी हो गए दोपहर, और बुढ़ापा हो गए संझा। तीने सवारी। सीता ने कहा स्वामी हमका तीनों सवारी पर बैठे हो। हाँ तो पहला वाहन पर बैठाए भगवान थल पर। कौन? जब सुमंत्र जी रथ पर बैठाए। अब द्वासर वाहन होएगा जल वाला। भगवान कहाँ पहुंचे? गंगा जी के किनारे। भगवान कहाँ पर पहली, अगर कोई पूछे पहला विश्राम कहाँ किया था, तो चौपाई याद कर लो, वह इस तरह का कह दे हो। प्रथम बास तम साढ़िंग कीना, प्रथम बास तम साढ़िंग कीना, दूसरे बास गंग कांचीना। तमसा नदी के किनारे और दूसरा वास गंगा जी के किनारे। अब यहां पर हम आपको सात कारण बोलेंगे, सात कारण बोलेंगे साल्ट में। और साल्ट में समझ ले हो बात भैया, क्योंकि यहां पर सब पढ़े लिखे भाई बहनी बैठे हैं। जहां पर लोग पढ़े लिखे नहीं हैं उनको समझाने में ज्यादा टाइम लगता है, जो पढ़े लिखे होते हैं उनका इशारा कर जाओ बात कहा जा। भगवान गंगा जी के किनारे पहुंचे। भगवान ने सोचा दूसरा है वाहन जलचर वाला, तो लाओ सीता जी को गंगा जी के किनारे लाए। तो भगवान गंगा जी के किनारे खड़े। एक कारण भगवान ने गंगा जी को इसीलिए पार नहीं किया, अगर पार कर दूंगा तो जल वाला वाहन खंडित तो हो जाए। भगवान गंगा जी के किनारे खड़े, केवट हुई पार खड़ा है। अब यहां पर भैया एक नहीं हम आपको कई कारण बोलेंगे, और जल्दी जल्दी समझ लेना। और इसी बीच में हमारे आशीष डीजे साउंड सर्विस महंगवा लखनऊ से, ये हमारे भैया साथ में आरवी स्टूडियो आशीष डीजे, ये सर्विस साउंड नया नया अभी आया है एकदम भैया, और जब बजेगा तो देश दुनिया में तहलका मचाएगा। लगभग 4 लाख रुपए का बाजा आया है और मैंने ही मंगवाया है, अभी सेटलमेंट नहीं हो पाया है, तो बिल्कुल आने वाला है और क्षेत्र के अंदर पहुंचेगा तो नाम रोशन करेगा। आशीष डीजे साउंड सर्विस महंगवा लखनऊ से हमारे साथ में भैया आरवी स्टूडियो, भैया लोगों ने 21 रुपया हमारे लिए स्पेशल दिए। भगवान से कामना ईश्वर कृपा करे जीवन मंगल में हो। एक बार जयकारा बोलो। प्रेम सुरविंद्रावन बिहारी लाल की। तो भैया अब देखिए, तो अब भगवान गंगा जी के किनारे पहुंचे। एक कारण सीता जी को बैठाना था नाव में, लेकिन भगवान जब गंगा जी के किनारे खड़े तो गंगा मैया पहचान गई कि ये मेरे पिताजी हैं। गंगा जी का और भगवान राम का रिश्ता है बेटी और पुत्र का, बेटी और पिता का रिश्ता, समझ लेना भैया। इस बात से बहुत शिक्षा मिलेगी और यही कारण हम समझाएंगे। केवट हुई पार खड़ा है, भगवान ने इशारा दिया, ए भैया, ए मेरे केवट भैया,
इधर ले आओ नैया हमें बन जाना है। ओ मेरे केवट भैया इधर लाओ नैया हमें बन जाना है। जाना 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 संग मा हमरे जनाना तो बग्गा चौराहे कूड़ा चौराहे खूब कुत्तन तना मारे मारे घूमे हो, लेकिन अगर लेडीज होए तो ज्यादा इसी वैसी चौड़ा कसकान न उठे रहे टाइम से ने घर आ जाए। जाना 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 संग मा हमरे जनाना हमें बन जाना है। संग में लक्ष्मण छोटे भैया हम है संग में लक्ष्मण छोटे भैया। केवट धर के चिल्लान कहां जाइया हो, रोटी खाते है खाली हो। तो भगवान बोले भैया तुम कहते हो कहां जाइ हो। संग में हमरे लखन छोटे भैया संग में हमरे लखन छोटे भैया हमका नहीं है ठिकाना ना हम करती हन बहाना हमें बन जाना है। जल्दी से नाम लाओ। भगवान ने यहां पर एक चौपाई लिखी मांगी नाउन। हमारे गुरुजी सुनाया करते सैयानपुर वाले मांगी नाउना केवटवाना। भगवान ने नाव मांगी और केवट से कहा लग तुम आयो ना। एक अर्थ यहां है कि नहीं मांगी नाउना। तो के भैया अच्छा साइकिल यदा खड़ी है साइकिल ले लो कहूं। साइकिल दुई अंगुल के रहे कि नहीं है। अगर वही पर दुई तीन जने बैठ लो और साइकिल पर से उतर लो तो एक खेत न जाई भाड़ा मत गिर जाई। भगवान यहां पर थोड़ा सोचे नहीं कहा लग मांगी नाव वह तो लकड़ी के नाव रहे। भगवान नाव मांगी तो केवट कहला जब नाव ही मांगे तो हम वहां का करे नाव खुद ही चली आवे। मांगी नाउन केवटवाना। भगवान ने नाव मांगा केवट को नहीं बुलाया। एक अर्थ द्वासर बात यो है भगवान ने केवट से नाव मांगा लेकिन केवट नाव लाने को तैयार नहीं हुआ। तीसरा कारण यू है कि केवट आया लेकिन भगवान से झगड़ा किया। तो हम एक कारण आपको बता दें। ये भगवान ने केवट को भी एक बात समझ लो भगवान ने केवट को भी बुलाया और नाव के बुलाया क्योंकि दोनों भक्त हैं। केवट भी भक्त है
आज केवट का भी उद्धार करना है और आज नाव का भी उद्धार करना है और सीता जी का जल पर चलाना है और गंगा जी ए गंगा मैया के पाप से बचना है। गंगा मैया के पाप से बचना भी है। केवट जब देखा तो नाव लेकर चल पड़ा, आया घाट पर खड़ा हुआ। केवट कहने लगा, प्रभु एक बात सुन लो, का तुम वह आओ का तुम ऋषियन का खूब सतायो और कबहू नाथ न सनमुख आयो, का तुम वह तो ना हो। संत हड्डी गल गई तपस्या करते करते और दर्शन दे हो नहीं, आज फंसे हो। आज फंसे हो, आज पता लगी कि बेट क्या मतलब का हो। लोग एक मिनट दो मिनट के कीमत कोई समझता ही नहीं। बहुत ऐसे गावन मदी में तो कहो दिन भर गप्पे मारा कर रहे, चाहे अरे यार संझा हो गया दो सठेलवा हम तबेरे से रोटी खाने संझा ले गप्पे मारा के गप्पन दिन पार कर दी। दो मिनट का समय जाना थे कत्ता हो थे। दो मिनट का समय कौन बहुत हो बताओ भाई, और दो मिनट का समय अत्ते जने हो और वह कहो सब जने जान जाओ अपने अपने जगह जान जाओ। दो मिनट का हो घड़ी देख लो, घड़ी देख लो मोबाइल के घड़ी देख लो और खाली यू प्रतिज्ञा कह लो कि हम दो मिनट सांक नहीं ले आबो। मोह मत कह लो, लाख कह लो खाली, या ना लाख कह पाओ तो दूसरे से लाख करवा लो पड़ोसी बैठो और चभिया पकड़ ले तुमका, देखो सिंघाड़ा का सांखी निकाले लगे हो। दो मिनट में आप बगुला हो जाओ फूल, और जो वो चकसे रहा तो चले हो जाइ हो, तब जान जाओ कि दो मिनट का समय का हो। तो जब दो मिनट हो सांक नहीं रोक सकते है तो ये दिन भर गप्पन हम काहे ले जा रहे हो। ए वक्त का समय अनमूल्य है, जीवन बहुत मूल्य है। हमारे गुरु जी कहा करते हैं कि ये अपने जीवन का एक एक पल का एक एक क्षण का अपना कीमती समय निकाल कर कोई अच्छे कार्य में लगाइए। ये हमारे गुरु जी का कहना। हमारे गुरु जी की उम्र इस समय एक साल एक सौ 14 साल की उम्र है और हमारे आश्रम से 7 अक्टूबर से यात्रा निकली है पैदल यात्रा, और वो पैदल यात्रा जाएगी जौनपुर आजमगढ़ बिहार तक। मैं भी अपने गुरुजी के साथ पैदल जाता हूँ। 114 साल जो आदमी हो जाए तो वो इससे कह दो भला का डोलो डाल बगिया ले जाते हैं, और 114 साल के हमारे स्वामी जी हैं पैदल यात्रा पूरी करते हैं। पूरी पैदल यात्रा 11,000 किलोमीटर तुम्हारे चंद्रिका देवी तक आते हैं गुरुजी हमारे। मुंडा गोपाल आश्रम पड़ता महमूदाबाद के आगे, इतने लोग बैठे तो कोई तो मलमुई हुई हल्ट बनी है। तो हमारे गुरुजी कहते हैं कि अपने जीवन का एक एक मिनट का अपना समय समझे रहो कितना कीमती है। तो एक गप्पर हम ना लो। केवट आया खड़ा हो गया। अब देखिए भैया केवट झगड़ा करे ला तो पार्वती जी शंकर जी से बोली, महाराज यह बात समझ में नहीं आई। पार्वती जी बोली, महाराज यह बात समझ में ना आई, वह तो भगवान आए। तीन पैग में तीन लोक, जब ना पिलीन भगवान, नाव बिना व्याकुल खड़े आ सोई कृपा निधान। तीन पैग में राजा बलि के तीनों लोक नाप लिए थे और तनकी सरी गंगा बध गए, आज केवट के डाब सुन रहे भगवान। भगवान शिव ने कहा, देवी भगवान राम का और गंगा जी का कुछ रिश्ता है, क्योंकि गंगा जी हैं भगवान की बिटिया। भगवान बेटी के ऊपर पैर रखना नहीं चाहते, बेटी के ऊपर पैर रखना नहीं चाहते, इसीलिए सोचा कि हमारी मर्यादा बच जाए।
दुनिया में सबको ये, दुनिया में सबको बेटा को लात से मारना, औरत के यहां दू चार लाते रोज मारो, लेकिन लड़की और छोटे भाई को लात से कभी नहीं मारना। छोटे भाई और लड़की के ऊपर हाथ नहीं उठाना, लात नहीं मारना। भगवान ने सोचा कि मर्यादा बच जाए और धर्म बच जाए। भवानी कहा लगी, महाराज एक बात बताओ, अगर यह बात है और दूसर कारण भगवान ने समझा कि एक तो गंगा जी पर पैर ना पड़े, दूसर कारण यू समझा कि जो नाव है, नाव का हमें उद्धार करना है। या नाव कौन है भैया? ये एक राजा था, इसका नाम था चित्रकेत। एक बार स्वर्ग में सब देवताओं का लगा गाने वाला अखाड़ा, वहां पर सभी सब गान बजान कर रहे थे। राजा चित्रकेत खड़ा हो गया और खड़े होकर के राजा बोला देवताओं से, महाराज हम हो गवैया हम। देवताओं ने कहा तू भी गा ले, वेलकम टू वेरी सो मच। चित्रकेत गंधर्व सुजाना, चित्रकेत गंधर्व सुजाना, गावती रहे वो मधुर सुर ताना। तो कई गाने में भैया यही स्वर व्यंग लगावती भयो, ओ दुर्वासा क्रोधित हो गयो। अनसुईया जी के बेटा दुर्वासा ऋषि क्रोधित में आ गए कि राजा गाय तो रहा लेकिन हम जैसे संतन के अंगों को काट रहा, गंधर्वों का गाना ये गलत गा रहा है। वास्तविक में गाना बजाना कोई हो, अगर गाना तंसुरा गा रहे हो तो उसका पाप भोगना पड़ेगा। पता नहीं कतना कौन सेना वाले मानित है। तुम सबको एक गाना सुने को नहीं सुनो? नहीं सुनो? गाना सुने खातिर कान नहीं उठे रहे हो भैया। तो राजा गावत गावत कहीं स्वर कट गया। जब स्वर कट गया तो दुर्वासा ऋषि ने साहब, ए राजा गाना गाता है कि हमारे अंग काटता है, चार राजा हम श्राप देते हैं। मुनि तब श्राप दीन अवरोहु, और भारत जाए वृक्ष तुम हो, पेड़ हो जा। अब राजा साहब थर 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 कांपने लगा, महाराज जी गलत कह दे हो, अब हम बिरवा हो जाए, उद्धार कब हुई? भगवान बाबा ने कहा जाओ, उद्धार कब हुई? तुम जाकर के वृक्ष बनो, तुम्हारे पेड़ को कोई साधारण आदमी नहीं काटेगा, एक मल्लाव काटेगा गोड़िया। केवट तुमरो वृक्ष कटई है, और काट वृक्ष नाव कहीं बनवई है, वह डारे सुर सर की धारा, और पथिक सकल जन उतर रह पारा। दुनिया उतर गई और वह नाव पर, और जो केवट हुई तो कोई साधारण नहीं, जो केवट है यो कोई साधारण नहीं, जो भगवान से झगड़ा कर रहा। भगवान से अगर झगड़ा कर सकता है तो सिर्फ भक्त। भगवान भक्त से झगड़ा, भक्त को उल्टा सीधा सुन सकते हैं, लेकिन दुश्मन की उल्टा से अधागारी ना सुनिए। भगवान के यहां तुम प्यार से खूब गरियो, भगवान के यहां हम बताई सवेरे उठ के यहां गारी दे हो, अगर तुमका लाभ ना हो तो हम त्रिफोन के हो। कौन गारी थी हो मालूम? अच्छा धरती हमार तुम्हार कुआ है मालूम? धरती हमारी आपकी, चाहे छोट हो चाहे बड़ा हो, चाहे पैसा वाला हो चाहे गरीब हो, धरती सबकी माता है। सबको यह कहा माता है, यू कोई ने कहा हमारे बेटी नहीं आया, सबको यह कहा माता है, चाहे कोई बूढ़ हो चाहे जवान हो, तो धरती सबकी है माता। और धरती से पैदा भाई मैया सीता, तो जब धरती हमारी माँ है और धरती पैदा भाई सीता, तो सीता हमारी को हो गई भैया बहनी हो गई, और सीता हमारी आए बड़ी बहनी। और सीता क्या हम लोग बिहाव के हैं राम जी के साथ,
तो राम जी हमार को होइगे। जीजा, अब जीजा के यहां गाड़ी कौन दिन जात है? बोलो सियाराम चंद भगवान की। भाई तो हां, तो ये केवट है, यहां कोई साधारण नहीं है जो लड़ रहा है भगवान से। ये भी एक भक्त है, ये पहले जन्म कर रहा है कछुआ। चीर सिंध जिस समय, चीर सिंध में जिस समय सोते थे कमलेश, जिस समय क्षीर सागर में भगवान सो रहे थे, लक्ष्मी जी पांव दावे। अभी कछुआ सोचे लाओ भगवान के दर्शन करी, तो जब लक्ष्मी जी के पैरों की तरफ कछुआ दर्शन करे जा तो लक्ष्मी जी डांट दे, और जब कछुआ खोपड़ी वाला हुआ तो हजार फन वाले शेष भगवान। शेष देत जब हे फुसकारी, कूद जाति पुनि सिंधु मझारी। फिर बेचारा समुद्र में कूद जाए। 6 महीना तक भगवान के मुलाकात करे मर गए हैरान रहा, लेकिन मुलाकात नहीं खे हो पाई। जब मुलाकात ना हो पाई तो कछुआ रोवे लाग, प्रभु दुनिया का हाथ मुलाकात करे नहीं दे रहे, हमका 6 महीना हो गए, ये तुम्हारे दोनों जने हमका मुलाकात नहीं करे दे। वैसी है तो वैसी मारे दौड़ती, ऐसे है तो काटे दौड़त। भगवान बोले चिंता ना करो, ये दोनों जने हुए हैं गवाहिम, और जौने पैरन तुम सेवा करे खातिर परेशान हो, ये दोनों जने खड़े हुए मुंह बने हैं, तुम सेवा करो। लेकिन अब नहीं, आगे चल के तुम केवट बनो, हम खुद आए गंगा पार करे। वह तो लफड़ा हुई भैया, वहां केवट बना है निषाद राज, केवट वहां बना है जो कछुआ था, और वह लक्ष्मी बनी है सीता, और वह शेष बने हैं लक्ष्मण, और वह विष्णु बने राम। आज वह केवट भगवान बाबा ने दुर्वासा ऋषि ने कहा, राजा चित्रकेत तुम्हारे पेड़ को केवट तुम्हारो वृक्ष कटाई है, कांट वृक्ष नौका बनवाई है, वह डारे सुरसर की धारा पथिक सकल जन उतरे पारा। अब इधर तेता ब्रह्म हरण महि भारा, और वो है रामचंद्र अवतारा, और पितु के बचन मान बन आई है, गंगा पार करन जब जई है, और उनके चरण पर जर छारा, और तब हुई है उद्धार तुम्हारा। निषाद राज भैया तुम्हारा भी उद्धार और नाव का भी उद्धार। वहां आज केवट भैया भगवान से बोला, खबरदार। पार्वती जी बोली, महाराज अगर यह बात रहा केवट झगड़ा कर रहे तो भगवान क्या करती? सही उठाई गोद लई लेती, और इधर से उठाई उधर धारी देती, पार धर देती। रह गए लक्ष्मण, कर गही लखन लगौते पारा, जाती उतरी गंगा की धारा। सीता जी का उठौती कन्या में या विपास ऊपर उठा धर देती। क्यों न कियो यश कृपा निधाना, मांगी ना उन केवट आना, मांगी ना उन केवट आना, मांगी ना उन केवट आना, मांगी ना उन केवट आना। ऐसा क्यों नहीं किया? सीता जी को गोद क्यों नहीं लिया? भगवान शंकर बोले, देवी भगवान अपने हिंदू धर्म की रक्षा किया, भगवान ने अपने हिंदू धर्म की रक्षा किया, भगवान ने सोचा अगर आज हम सीता के यहाँ कन्यम ले लें तो हिंदू पूज्य हैं म्याड़ हमारी, और रामचंद्र लिहिन गोदी मनारी। अम्मा लोग खुद ही कहती उधर भगवान लिहिन ना है तो हम का नहीं लेते हो कन्या में, यहाँ चलो लेटरिन फिर आ लाओ, चले यहाँ तुम हमका ग्वालन पर बैठाओ, हम लेटरिन फिर
और तुम करे भगवान सोचने अगर सीता गोदम लेन तो हिंदू पूजी है मेड़ हमारी और राम चंद्र लिहिन गोदी मनारी। और भगवान सोचिन मर्यादा भंग हो जाई। ए भगवान यार बात और सोचिन, भगवान हमारे हैं सूर्यवंशी, मान लिया सीता गोदम ले ले कोई बात नहीं। ए समय समय की बात, समय पर बरसती है पानी, समय से नहीं अगर औरत के यहां गोदम ले लो कोई पाप वाली बात नहीं है। यूं न समझो कि पाप हो, पत्नी भाई मानदी है हॉस्पिटल में यहां भर्ती है और अकेले है तुम हो, जब रहो रहो अकेले तुम तो तुम्हारे संगम रही को भाई औरत तुम्हारी है और अकेले है तुम हो, अपनी औरत के आदमी तो क्या ले हो तो रही हो तो तुम है, ऐसा गलत बताए रही हो तो तुम है तुम्हें यार सबको क्या हम बताए बोल गए नहीं रहे हो, कुछ विश्वास तो करो कि हम है क्या लहन। अरे जब हाँ तो धरो, लेकिन सबका धोखा है कि मोबाइल मिस कॉल आवत का है ब्यार ब्यार है ना, तो भैया तो यू विश्वास करो कि हम पत्नी के जब अकेले आदमी हैं भैया, तो जैसे पत्नी मान दी अस्पताल में यहाँ, अब डॉक्टर कह रहे भैया 12 नंबर पलंग पर से इनके मान लो ऑपरेशन है, कोई दिक्कत है और ये उठ के बैठ नहीं सकती हैं, तो इनका भैया ये पलंग पर पहुंचाओ, तो अगर पत्नी के यहाँ अस्पताल में यहाँ ये बेड पर से उठाए गए यहाँ और वे बेड पर लेटाए दें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ना हुआ पर कोई हंसे वाला है, हुआ पर हंसे वाला कोई है नहीं और ना कोई हुआ हंसे वाला जाता ही है। अस्पताल में यहाँ वह आदमी तो जाते हैं जौन मरा मरावा है भाई मेरे, अस्पताल में कोई काहे हंसी, तुम ज्यादा गाफिल उनका तो मारी बिल्कुल जाए वाला, तो अस्पताल के अंदर भैया यह है, तो अगर अस्पताल हम पत्नी के यहाँ उठाए कनिया में ऊपर से ऊपर लिटा दो कोई दिक्कत नहीं। हाँ घर माँ बैठी हैं, महावर काटे हैं, लौझड़ खाए हैं है ना, और तब कहे गोदिया माँ हम का ले लो पिया कनिया माँ ला ला ला, तो गलत बात है। समय की बात आए, वह समय आए कनिया ले वाली। भगवान ने सोचा कि अगर हम आज सीता को गोदम ले ली तो हमार तो मर्यादा रह जाई, लेकिन हमारे बाबा की मर्यादा भंग हो जाई। बाबा कौन है मालूम? राम है सूर्यवंशी, समझ लो। अगर कोई नहीं देख रहा तो हमारे बाबा देख रहे हैं। ऊपर तप रहे सूर्य करारे और साखी में बाबा लगे हमारे, बाबा देखे कहे लड़िको पोतो मायो नाक कटाक धर दे, बताओ दिया और तंग ले ले घूमत कोई द्याखन नहीं है। ए, तो कहे का मतलब यू है, इसीलिए भगवान ने सोचा यह भाव प्रभु के उर आना, मांगे ना उनके वट आना। मेरे बंदो अब कई विचार भाव हो गए और केवट सब जाने कि आज हमका मौका मिला है, तो केवट बोला सुनो प्रभु एक बात सुनो, हम पार करब लेकिन याग शर्त है। का शर्त है? केवट बोला हम शर्त ये है कि अगर बात तो यह है कि पार करें कोई बात नहीं, लेकिन हम सुने नहीं महाराज, हम सुना है कि तुम्हारे पैर में यहां जादू है। कौन जादू है भैया? जादू यू है कि हम सुना है कि तुम्हारे पैर अगर छू जाते पथरा में यहां तो पथरा से ना औरत बन जाती। और महाराज हमारे यहां लकड़ी के नाव, जब पत्थर से ने औरत बन सकते है तो लकड़ी में अगर नाम छुएगा पैर महाराज अगर ये बन गए मेहरुआ, अगर औरत बन गए तो या घर में है तो दाढ़ी नहीं बनवाई पाई थी और द्वासर हो गए तो गांव छाने परी। सुना है हम सुने हन,
कि गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या पत्थर हो गई थी और तुमने पैर छुआ दिया तो वह औरत स्त्री हो गए, पत्थर व औरत पत्थर से ने औरत बन गए। और महाराज अगर हमरे नाव में छुईगा तो ना हमरे खेती है ना बारी है ना जमीन है ना धंधा है, इहे बल इहे नाव के रे बल पर हमारा धंधा चलता।